वेलकम टू मेंटीज डेली न्यूज एनालिसिस। आइए स्टार्ट करते हैं 10th ऑफ अगस्त की एनालिसिस। पहली न्यूज है साइंस के पर्सपेक्टिव से दैट ऑर्बिट रिडक्शन मैनोवर ऑफ चंद्रयान 3 परफॉर्म। तो ये आपका जो इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन है उस पर ये अपडेट है दैट नाउ द स्पेसक्राफ्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1437 फ्रॉम द मून एंड फर्दर मैन्यूवर्स प्लान किए गए हैं टू ग्रेजुअली लोअर द ऑर्बिट एंड पोजीशन इट ओवर द मून्स पोल। अब यहाँ से ये है कि 16th अगस्त को जो फिफ्थ और फाइनल आपका ऑर्बिट रिडक्शन है दैट विल टेक प्लेस। नेक्स्ट एनवायरमेंट के परस्पेक्टिव से दैट एलिफेंट पॉपुलेशन इन कर्नाटका गोज अप बाय 364। तो अभी जो एलिफेंट्स है कर्नाटका में इट हैज राइज बाय 346 रीचिंग फ्रॉम अ टोटल ऑफ 6049 से जो 2017 में आपका एस्टिमेट किया गया था। इससे कर्नाटका को ये हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन बनाता है इंडिया में। अब जो ये सेंसस है ये आपका कंडक्ट हुआ था 17 से 19 मई के बीच में। कौन कौन से स्टेट को इन्वॉल्व किया गया था? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा। और जो कर्नाटका का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने कंडक्ट किया था ये सेंसस को। और जो एवरेज अब स्टेट एलिफेंट डेंसिटी है वो है 0.34 पर स्क्वायर किलोमीटर। अब ये वर्ल्ड एक और चीज आपको जो एग्जाम के लिए याद रखनी है दैट वर्ल्ड एलिफेंट डे दैट इज ऑन अगस्त 12। तो ये उसी के कारण ये एफर्ट्स लिए गए थे। इसी पे यूपीएससी ने 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था दैट विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ एंड एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्फिंग टिल द एज ऑफ 40 इयर्स ओल्ड अमंग द स्टेट इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला। So if you know the fourth statement, it is in Karnataka. So by the elimination, you get the answer that is 1 and 2. Next, let economy ke perspective say that 70s show proposed licensing for computing device import dent India's credibility. So jaisa ki aapko pata hai, India ke commerce and industry ministry ne introduce kare certain restrictions on import of laptop, PC, tablet, servers. अब आगे जाके इंपोर्टर्स को लाइसेंस लेना होगा टू ऑब्टेन। अब इससे होगा क्या? इससे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस होगी, प्राइस हाइक होगा एंड दैट टू पर्टिकुलरली अभी तो फेस्टिव सीजन से पहले ही। अब रीजंस क्या बताया गवर्नमेंट ने इसको लेकर कि सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण इट इज सजेस्टिंग कि जो इंपोर्टेड डिवाइस है वो सर्विलेंस के लिए इट कैन बी यूज्ड। इसीलिए अब एम क्या है कि जो आईटी हार्डवेयर है मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली इन इंडिया में उसको बनाया जाए, इनकरेज करा जाए थ्रू प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। लेकिन जो इम्पैक्ट है सॉफ्टवेयर और आईटी पे इट हैज रेज अ कंसर्न। अब गवर्नमेंट का इसका जो बैकलैश गवर्नमेंट को मिला है इस मूव के प्रति, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स आया है? गवर्नमेंट ने 1 नवंबर तक एक तो रिस्ट्रिक्शन पोस्टपोन कर दी एंड प्रोमिस करा है कि यू विल गेट लाइसेंस अप्रूवल फास्टर, बट अभी भी इंडस्ट्री अनसर्टन है लाइसेंसिंग क्राइटेरिया को लेकर और क्या जस्टिफिकेशन होगी इम्पोर्ट को लेकर। नेक्स्ट एनवायरमेंट के परस्पेक्टिव से दैट कैन SMR हेल्प इंडिया अचीव नेट जीरो। तो एनर्जी ट्रांजिशन चैलेंज की बात हो रही है क्योंकि ट्रांजिशन करना टूवर्ड सस्टेनेबल एनर्जी बहुत ही क्रूशियल है जो कि गोल 7 भी है UN के चार्टर में एंड बट हमें सिर्फ सोलर या विंड एनर्जी पे रिलाई करना इज नॉट इनफ। व्हाई? बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ 82% ऑफ फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी। अब यहाँ पे न्यूक्लियर पावर का रोल क्या है? दैट न्यूक्लियर पावर प्रोवाइड्स यू रिलायबल लो कार्बन एनर्जी दैट टू विद स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो ये एक तरह का यू कैन से दैट इट इज इमर्जिंग टू कॉम्प्लीमेंट कन्वेंशनल प्लांट। अब SMR के कुछ एडवांटेजेस भी है जैसे कि enhanced safety, simplified design and even lower waste. और अगर regulatory cooperation and private sector होगा तो that is the key. अब इसी से net zero और economic investment में SMR can aid net zero पहले तो achieve करने में help कर सकते हैं that too through government regulation, legal changes and even private investments are essential अगर successful SMR integration we have to do it. अभी है जनरल स्टडीज के एनवायरनमेंट से क्विज आया है विच ऑर्गेनाइजेशन कैटलॉग ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट फॉर थ्रेटन स्पीशीज दैट इज IUCN। द एनिमल इज ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट इंडेंजर्ड एंड वन ऑफ द मोर वर्ल्ड्स रेरियस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल दैट इज गिबस पोट्रो। विच एनिमल स्पीशीज वॉज ट्रांसलोकेटेड टू अजाक माउंटेन्स इज अ ब्लैक बियर।
तो ये एनवायरनमेंट परस्पेक्टिव से आपका क्विज है। मेड श्योर कि आप इस पे ये नोट्स बना के नोट डाउन कर लो, ये स्टेटमेंट्स एज इट इज फ्रेम हो सकती है एग्जाम में। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज टू पॉलिटिक्स एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। एज यू ऑल नो कि आज प्राइम मिनिस्टर वुड रिप्लाई टू अ नो कॉन्फिडेंस मोशन विच हैज बीन मूव्ड अगेंस्ट हिम। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं व्हाट इज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। दैट इज आर्टिकल जो 75 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट सेज दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ये मिनिस्ट्री ऑफिस में तब तक रह सकती है जब तक वो एंजॉय कर रही है मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स का सपोर्ट लोकसभा में, लेकिन लोकसभा रिमूव भी कर सकती है मिनिस्ट्री को बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसमें सपोर्ट चाहिए 50 मेंबर्स का। अब एक दो तरह के मोशन होते हैं, सेंसर और नो कॉन्फिडेंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सेंसर में यू हैव टू स्टेट द रीजन जब अडॉप्ट करना है लोकसभा में, नो कॉन्फिडेंस में नो नीड टू स्टेट द रीजन। ये इंडिविजुअल मिनिस्टर के भी अगेंस्ट मूव हो सकता है, बट नो कॉन्फिडेंस रिमूव अगेंस्ट ओनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। यहाँ पे आपको जो रीजंस है वो स्पेसिफिक पॉलिसी या एक्शंस के अगेंस्ट इट इज मूव्ड एंड इट इज जस्ट अ कॉन्फिडेंस देखने के लिए ऑफ द लोकसभा एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर सेंसर मोशन पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, वेयर एज अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। अब हम ये देखते हैं जो आज हिंदू में टाइमलाइन आई है, द नंबर ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन एडमिटेड इन द लोअर हाउस इज 28। हाईएस्ट नंबर ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वॉज अगेंस्ट बाय इंदिरा गांधी। Then the only time a no confidence motion triggered the fall of a government was one. And in 1979, a motion moved against the Morarji Desai-led Janata Party government that led to his resignation. And even V.P. Singh also moved a motion of no confidence for his National Front government. Lekin ye defeat ho gaya tha by the BJP withdrew the support. Toh usi pe ek timeline aayi hui hai, which is also important for your exam perspective. Next, Rajya Sabha passes 4 bill as the opposition stage walkout. So, अभी जो पास किया गया है वो है शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल। इस बिल में क्या है कि इट हैज एडेड सिनोनिम्स टू महार कम्युनिटी इन छत्तीसगढ़ टू द शेड्यूल्ड लिस्ट एड। अब इससे क्या होगा, गवर्नमेंट स्कीम के जो बेनिफिट्स है इट विल जस्ट बेनिफिट मोर नंबर ऑफ पीपल। नेक्स्ट है इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से, टू कर्व प्राइस राइज सेंटर टू रिलीज मोर फूड ग्रेन स्टॉक बाय ओपन मार्केट सेल। तो अभी जो राइजिंग फूड प्राइस है वहां पे इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है, इट इज प्लानिंग टू सेल एडिशनल 50 लाख टन ऑफ वीट एंड 25 लाख टन ऑफ राइस थ्रू ओपन मार्केट सेल स्कीम फॉर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक। अब ये जो गवर्नमेंट का एम है इससे क्या होगा कि सफिशिएंट डोमेस्टिक सप्लाई रहे राइस की, वीट की, और प्राइजेस कंट्रोल रहे। एंड साथ ही में ये मूव एक्सपेक्टेड है कि 140 करोड़ पीपल को बेनिफिट करेगा, और गोल यही है कि हम मार्केट अवेलेबिलिटी इंप्रूव करें, थोड़ा प्राइजेस को कूल डाउन करें, और हम फूड इन्फ्लेशन को मैनेज करें। राज्यसभा ने पास कर दिया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। हेल्थ के परस्पेक्टिव से न्यूज है, हेल्थ मिनिस्ट्री डिफेंस दी योजना एज ए कैग ऑडिट एक्सपोज मल्टीपल फ्रॉड। तो जैसे कि आयुष्मान भारत कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी बिकॉज इरेगुलरिटीज फाइंड की गई थी बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कि उसमें जो इरेगुलरिटीज फाइंड की गई थी तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या स्टेट करा था कि जो मोबाइल नंबर है वो यूज ही नहीं किए गए फॉर बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन। लेकिन जो कैट ने फाइंड ये करा था कि कुछ जब ट्रीटमेंट आप दे रहे थे इंडिविजुअल्स को तो वहां पे मल्टीपल पीपल वर सीन कि वो सेम आधार नंबर से तो हो रहा था या फिर इनवैलिड मोबाइल नंबर से दिया गया था। तो इसलिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई करा है कि जो मोबाइल नंबर्स थे वो सिर्फ कम्युनिकेशन या फीडबैक पर्पस से हुए थे, ना कि वेरीफाई करने के लिए बेनिफिशरीज को। नेक्स्ट है हाउस पैनल टेल्स गवर्नमेंट टू इंश्योर फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी इंक्रीज लोकल प्रोडक्शन। तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंड इन कमिटी है ऑन केमिकल एंड फर्टिलाइजर विच इज लेड बाय शशि थरूर, उन्होंने दो रिपोर्ट प्रेजेंट करी है इसके ऊपर। दो रिपोर्ट किसके वरीज हमें बता रही है, एक तो फर्टिलाइजर के बारे एंड साथ ही में जो सब्सिडी पॉलिसी है उनके ऊपर। तो रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है दैट देयर इज अ डेफिसिट ऑफ 119.63 लाख टन्स ऑफ वेरियस फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। एंड कमिटी इवन कॉल कर रही है कि हमें रिपोर्ट
जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम करनी चाहिए ऑन की फर्टिलाइजर, जैसे कि डीएपी, एनओपी, एनपीके। एंड साथ ही में जो सब्सिडी पॉलिसी रिव्यू, ये है कि वी शुड, जो कमेटी है वो अर्ज कर रही है कि एक रिव्यू होना चाहिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का, सजेस्टिंग कि जो करंट स्कीम है इट इज लीविंग आउट यूरिया एंड देयरफॉर रिटेन्स द प्राइस कंट्रोल। तो ये रिकमेंड कर रही है कि एक रिवैल्यूएशन करी जाए ताकि हम बाकी फर्टिलाइजर जो यूज फार्मर कर रहे हैं उनको इंकरेज करें। नेक्स्ट है, साइंस के पर्सपेक्टिव से इंडिया टेक स्टेप टू रिमूव एनिमल फ्रॉम ड्रग टेस्टिंग। तो जो रिसेंट अमेंडमेंट है इंडिया के न्यू ड्रग और क्लिनिकल ट्रायल रूल्स, इनका एम यही है कि हम एनिमल टेस्टिंग जो होती है ड्रग रिसर्च में उसको कम किया जाए। इससे हो क्या रहा है, इट इज परमिटिंग रिसर्चर्स कि हम एडवांस मेथड यूज करें, जैसे कि 3D ऑर्गेनेट्स, ऑर्गन ऑन चिप्स या कोई कॉम्प्यूटेशनल टेक्निक्स, अगर हमें ड्रग सेफ्टी को टेस्ट करना है इंस्टेड ओनली ऑन वी आर रिलाइंग ऑन एनिमल टेस्टिंग। तो यहाँ पे आपके चैलेंजेस भी है, इनोवेशंस भी है, और यहाँ पे ग्लोबल रेगुलेटरी ट्रेंड्स की भी बात हो रही है, जैसे कि कंट्रीज जैसे कि यूरोपियन यूनियन, यूएस, साउथ कोरिया एंड कनाडा, दे हैव एम्ब्रेस्ड नॉन एनिमल टेस्टिंग मेथड। तो जो ये इंडिया का रीसेंट अमेंडमेंट है, इट इज जस्ट फॉलोइंग ऑल दीज ग्लोबल ट्रेंड्स इन प्रमोटिंग ह्यूमन रेलेवेंट टेस्टिंग मेथड। नेक्स्ट है आपका, यहाँ से इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल शुरू होते हैं, विच इज आपका करंट अफेयर एंड इवन आर्ट एंड कल्चर जनरल स्टडीज 1 के भी परस्पेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट है। दैट आर्कियोलॉजिस्ट जो है एट किलारी हिस्टोरिक एक्सकवेशन साइट, जो कि आपकी 12 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ मदुराई में लोकेटेड है, दे हैव फाउंड एंड क्रिस्टल क्वार्ट्ज विच इज वेन यूनिट फ्रॉम द संगम एरा। संगम एरा पे ऑलरेडी 22 में क्वेश्चन पूछ चुका है। इसी पे जो एक्सकवेशन हमें पिछले साल मिली थी 23 में, देवर पर्सनैलिटीज गिवन, और पूछा गया था ये पर्सनैलिटीज कौन है, तो वो आर्कोलॉजिस्ट पर्सनैलिटीज थे, तो इसी पे भी क्वेश्चन पूछ चुका है। सो मेक श्योर कि इस आर्टिकल को आप एक बार दोबारा देख लो, चांसेस कम है कि इन सेम लाइंस पे क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ दिस। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज की इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, दैट सीड्स फॉर ग्रोथ न्यू टेक्नोलॉजी ऑफर सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो जैसे कि अब इंडिया हैज अचीव फूड सिक्योरिटी विद द प्रोडक्शन, जो फूड प्रोडक्शन है दैट इज रीच इन एट 330, तो डिमांड अब जो है को सीरियल की, पल्सेस की, ऑयल सीड्स की, वो अभी भी इट इज नॉट फुली मेट, बिकॉज अभी भी इट इज नॉट एट अफोर्डेबल फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। तो इससे हो क्या रहा है कि जो हायर प्रपोर्शन है या मैल नरिश पॉपुलेशन है उसको राइज मिल रहा है, विद अ साइजेबल परसेंटेज ऑफ ऑल्सो चाइल्ड वेस्टिंग, दैट इज अराउंड 19.3%। बाकी इंडिया सिक्योरिटी की बात हो रही है कि ट्रॉन्सेस ट्रॉन फाउंडेशन पे ये बिल्ड हुआ था जब 1916 में इट स्टार्टेड विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, एंड फर्दर हमने कैसे पॉलिसीज हम लेकर आए इसको बूस्टअप करने के लिए। तो ये आपके इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट था, दैट वॉट न्यू टेक्नोलॉजीज आर देयर, क्या एडवांटेज हो सकते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के। तो ये थी आपकी आज की एनालिसिस। अगर आपको वीडियो लगी, यू नो वॉट टू डू, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।